गई और ये राजा के पास बॉल गई सीधा बॉल। गुड आफ्टरनून गाइस, हम अपने भाई को एग्जाम सेंटर पे छोड़ के यहाँ आए हुए हैं क्रिकेट खेलने। यहाँ पे देखिए टीम का अभी चयन हो रहा है, तो इसमें मेरा भी चयन है, तो हम भी क्रिकेट खेलेंगे गाइस बहुत दिनों बाद, तो देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस होता है मेरा। ये जुगाड़ू विकेट है, ये आप देख सकते हैं, ये सब देख कर आपका बचपन याद आ रहा होगा, मेरा तो आ रहा है। चलिए ये देखिए यहाँ पे स्टंप है दोनों साइड, तो चलिए यहाँ पे टीम का चयन हो रहा है। तो चलिए गाइस अभी टॉस होने जा रहा है, तो हम दोनों टीम के कैप्टन से बात करते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप बॉलर है बैट्समैन है? हम बैट्समैन है। बैट्समैन है, ऑलराउंडर है। चलिए आपका टीम का नाम? टाइगर 11 जीवधारा। टाइगर 11 जीवधारा। आपका नाम बताइए? तौसीफ साहिद। आप कैप्टन है? आपके टीम का नाम क्या है? ड्रीम 11। तो एज ए कैप्टन बताइए, अगर आप कभी खेल रहे हैं और आपके टीम में विकेट गिर रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, तो क्या बताएंगे आप, अपनी टीम को क्या सलाह देंगे उस वक्त? फुल एकदम क्या है। तो चलिए, तो चलिए टॉस कीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पे टॉस करते हैं, इनके पास दिखाइए हेड दिखाइए। तो गाइज ये है हेड और टेल दिखाइए, और ये है टेल। चलिए टॉस करते हैं। तो ड्रीम 11 टीम और टीम टाइगर जीवधारा। तो गाइस टेल बैटिंग आ गई टीम जुधारा का। चलिए कैप्टन, तो बताइए आप बॉलिंग कीजिएगा बैटिंग कीजिएगा? बैटिंग करेंगे। तो ही वांट्स टू चूज द बैट। तो गाइस देखिए यहाँ पे बैटिंग हो रही है राजा के द्वारा, और बॉलिंग में हमारे कुंदन जी है, जो कि देखिए। तो चलिए पहला बॉल जा रहा है कुंदन जी की तरफ से, और ये देखिए बॉल गया सीधा बाउंड्री के बाहर। तो गाइस चार बॉल, और ये देखिए पांचवा बॉल जाते हुए राजा के पास, बट बॉल मिस कर गई और कीपर से मिस करके बॉल सीधा जाके पीछे वाले दीवार पे टकरा गई। ये ओवर की आखिरी बॉल कुंदन जी की तरफ से जाते हुए, जो कि राजा को डिलीवर होगी, और ये राजा जी देखिए क्या मार दिया, ये छक्का है पूरा सीमा रेखा के बाहर। चलिए ओवर खत्म होते हुए पहला ओवर की समाप्ति, रन 26 रन खालिद आ चुके हैं स्ट्राइक पे, और वहां पे ओवर हो चुकी समाप्त। तो तीसरी ओवर डालने आ रहे हैं हमारे पार्ले जी के हाथ में बॉल है, इनका नाम है पार्ले जी, इनके हाथ में बॉल है। चलिए देखते हैं ये क्या कर पाते हैं। खालिद यहाँ पे स्ट्राइक पे है और कीपर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चलिए गाइज, और देखिए ये यहाँ पे बॉल पार्ले जी के हाथ से बॉल ये आते हुए, बट ये देख खालिद के पास बल्ला, बट बॉल इनके सीधे पैरों में लगी और कोई रन नहीं, एक बॉल काउंट हो गई। दूसरी बॉल पार्ले जी का, और ये देखिए बॉल ही बहुत ही उल्टी दिशा लेते हुए सीधा बाउंड्री के बाहर, और ये सिक्स हाईवे लाइन के बाहर। दूसरी ओवर विशाल जी के पास, और ये देखिए खालिद के पास बैट, और ये बॉल गई सीधी, इतनी बड़ी वाइड हमने कभी नहीं देखा था, लेकिन देख के चलिए कोई बात नहीं है, वाइड का कोई रन नहीं यहाँ पर, तो कोई हट जाना नहीं है। दूसरी ओवर की दूसरी बॉल जाते हुए खालिद को डिलीवर, और ये देखिए बॉल, ये भी बॉल मिस कर गई, और ये वाइड बॉल थी, तो कोई रन नहीं, कोई बॉल काउंट नहीं होगी। ये तीसरी बॉल देखिए खालिद को, और ये तीसरी बॉल जाते हुए खालिद के पास, और ये देखिए बॉल सीधा गई बाउंड्री के पास, बट कोई रन नहीं, और ये देखिए बॉल थ्रो हो गई यहाँ पे, बट नो रन आउट। चलिए एक रन मुकम्मल हुआ इनका, कंप्लीट हुआ एक बॉल एक रन दूसरी ओवर। फिर स्ट्राइक पे राजा आते हुए, और कुंदन के हाथ में बॉल और खालिद के हाथ में बल्ला, और ये देखिए ये बॉल पे क्या कर पाते हैं। चलिए गाइस ये देखिए, ये बॉल देखिए बॉल जाते हुए राजा के पास, और ये बॉल वाइड बॉल, इस बॉल पे कोई रन नहीं और कोई बॉल काउंट नहीं होगी, फिर से बॉल डालना पड़ेगा। फिर से कुंदन के हाथों से बॉल गई, और ये राजा के पास बॉल गई सीधा बॉल गई पीछे, और देखिए रन आउट की आशंका, बट यहाँ पे कोई रन आउट नहीं हुई, एक रन मुकम्मल हुआ पूरा अच्छी तरह से। यहाँ पे चलिए हम अंपायर का काम करते हैं, और ये देखिए एक और छक्का, और ये देखिए राजा की तरफ से एक और छक्का, लेकिन ये छक्का नहीं हुआ, और ये देखिए कैच छूट गया वहां पे एक बहुत ही आसान सा कैच छूट गया, कुंदन जी बहुत गुस्सा होते हुए। चलिए गाइस देखते हैं तीसरी बॉल जाते हुए कुंदन जी के हाथों से, यहाँ देखिए राजा जी का बैटिंग, और ये वाइड बॉल बहुत ही शानदार बॉल, लेकिन वाइड थी, चलिए इसका कोई रन नहीं है। कुंदन जी का दूसरा बॉल, और ये देखिए बाउंड्री के बाहर, और ये देखिए वहां पर फील्डर मौजूद, बट फील्डर से कुछ नहीं हो पाया, फील्डर के आर पर करते हुए बॉल सीधा सीमा रेखा के बाहर, और चार रन। पहला पारी खत्म हो चुका है और दूसरी टीम तैयार है यहाँ पे खेलने के लिए। दूसरी टीम है ड्रीम 11, इनका टारगेट है 67 रन, 66 रन बनाना है मैच ड्रॉ करने के लिए, 67 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। तो गाइस चलिए हम यहाँ पर कीपिंग करेंगे आज। फाइनली हम लोग जीत गए, टाइगर 11 टीम जीत गए। तो चलिए कैप्टन से बात करते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका। टाइगर 11 टीम के कैप्टन से हम बात करेंगे। हु इज द कैप्टन ऑफ टाइगर 11 टीम? खालिद अंसारी। चलिए आपसे बात करते हैं, आप मैच जीत गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जो हमारे अनस जो है बहुत बढ़िया बॉलिंग की है इसीलिए। अच्छा, जो राजा था जैसे पिटा रहा था, हम लोग लगा है कि मैच हार जाएंगे, लेकिन हम लोग जीत गए अनस के बॉलिंग के वजह से। अच्छा, चार विकेट लिए हैं अनस। तो चलिए आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है,
तो क्या लगा आपको कि मैच जीत जाएंगे? जी हमारे कैप्टन जो हम पे बहुत उम्मीद लगाए हुए थे, उनके सीधे पर हम खड़ा हुए और चार विकेट भी लिया अपने टीम के, जीत दिला। और तो सबसे महंगा विकेट किनका था, सबसे मुश्किल विकेट किनका था? सबसे मुश्किल विकेट नाम तो नहीं मालूम, वो लबा लबा छक्का मार रहा था, उनका विकेट लिए हैं। अच्छा, तो उनका विकेट लेने के बाद आपको लगा कि मैच जीत जाएंगे? मैच जीत जाएंगे, है ना। तो मैच उसके बाद एक तरफा हो गया, एक तरफा मैच। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लास्ट में किस चीज का डर आया? जैसे लास्ट में चाहिए थे 24 रन, तो उसमें दो छक्के लग गए थे, फिर भी हमारे कैप्टन खालिद ने बचा लिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तौसीफ शाही से बात करते हैं। चलिए तौसीफ साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं हारने के बाद भी। चलिए आप बताइए, कैसा लग रहा है आपको हारने के बाद? ऐसा कोई बात नहीं, हारता तो टीम ही है, ऐसा हार जीत के खेले, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है टीम के अंदर की नहीं मार पाता है। हाँ, तो आज के मैच में क्या लग रहा है, आप किस वजह से हारे? तो बैट्समैन की वजह से, जो फर्स्ट में जो ओपनिंग में गए थे, थोड़ा बॉल फिर गया। अच्छा, क्या आपके बॉलर और फील्डर के बारे में बताएंगे कि उनका परफॉर्मेंस कैसा था आज? आज परफॉर्मेंस हम दो बॉलर देखे हैं, बहुत बढ़िया था। एक पार्ले जी जिनका नाम था, वो तीन की चार विकेट लिए, और एक था कोई और दूसरे गांव का टीम था, वो दो विकेट लिए, बहुत बढ़िया। और हारने का मेन रीजन बताइए इसका, आपको लगा मैच में कि अब हम हार गए? बैटिंग अच्छी नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं है, अगला मैच में फिर देखेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच। बस इतना ही, तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।